हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा चंद्राकर फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। टुडेज अवर टॉपिक इज प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद। आज हम प्रयोजनवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये रूपरेखा या सिनॉप्सिस बनाया जाता है, जिसमें से आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रयोजनवाद का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य या पाठ्यक्रम या शिक्षण पद्धति, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये सारे नोट्स मैंने एक साथ इसलिए बना रखा है ताकि आपको एक साथ प्रयोजनवाद का एक साथ नोट्स मिल सके। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए आपको सब कुछ मेंशन करना है इसमें, क्योंकि आपके मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स। तो आप जितनी चीजें इसमें से दे सकते हैं, जो जो चीजें आपको पूछा जा रहा है उसको तो आप पहले वो करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद और भी चीजें कुछ कुछ याद है, जैसे प्रयोजनवाद तथा शिक्षा कैसा होना चाहिए, प्रयोजनवाद के अनुसार छात्र कैसे होने चाहिए, फिर प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन का डिसिप्लिन कैसे होने चाहिए, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप सिनॉप्सिस में हमने क्या क्या मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट प्रस्तावना होता है जिसको आप कहेंगे इंट्रोडक्शन, देन प्रयोजनवाद का अर्थ, देन प्रयोजनवाद की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, नेक्स्ट एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन, नेक्स्ट करिकुलम इन प्रैग्मेटिज्म, नेक्स्ट शिक्षण पद्धति तथा प्रयोजनवाद, नेक्स्ट प्रयोजनवाद तथा शिक्षक, नेक्स्ट प्रयोजनवाद तथा छात्र, नेक्स्ट प्रयोजनवाद तथा अनुशासन, नेक्स्ट प्रयोजनवाद शिक्षा के गुण, नेक्स्ट प्रयोजनवाद शिक्षा की सीमाएं या उनके क्या दोष है, नेक्स्ट उपसंहार या जिसे कंक्लूजन कहेंगे, और आपको लास्ट में सभी आंसर की जितने भी फिलॉसफी के आंसर है उसमें आपको संदर्भित ग्रंथ या जिसको कहेंगे रेफरेंस, यानी रेफरेंस का मतलब ये होता है जिस राइटर से आपने पढ़ा है, जैसे ये फिलोसोफर के राइटर के नाम है पूनम मदान, तो ये आप लिख सकते हैं पूनम मदान का नाम। तो रेफरेंस आपको ध्यान रखिएगा, संदर्भ ग्रंथ या रेफरेंस जिसको बोलते हैं, इसमें आपको पूनम मदान का नाम हर आंसर के बाद मेंशन करना है। तो सबसे फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते जाएंगे जो हमने ये सिनॉप्सिस बनाया हुआ है लाइन से, उसको हम लाइन से एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा है ये प्रस्तावना या जिसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन। तो प्रस्तावना इस टाइप का रहेगा। तो प्रस्तावना में आप मेंशन कर कि आप लिख सकते हैं प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्रिया या किए गए कार्य से होता है। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि पहले क्रिया या प्रयोग किया जाता है, उसके फल के अनुसार विचारों या सिद्धांतों का निर्माण। यानी इनका मानना ये है कि जैसे आदर्शवाद आपने पढ़ा है उसमें विचारों की सत्ता पर ध्यान दिया गया है, पर इनके अनुसार इन्होंने इनका विश्वास है कि पहले क्रिया या प्रयोग किया जाता है और इनके फल के अनुसार विचारों या सिद्धांतों का निर्माण होता है। इनके समर्थकों में सुकरात, जॉन लॉक आदि के नाम विशेष हैं। आधुनिक काल में प्रयोजनवाद सर्वप्रथम अमेरिकन दर्शन शास्त्री सी एस पियर्स ने दिया, इसके बाद विलियम जेम्स ने इसे लोकप्रिय बनाया। इनके अनुसार हमारे विश्वास ही क्रिया के वास्तविक नियम है। इसके बाद डीवी तथा सीलन ने प्रयोजनवाद के अध्ययन को और आगे बढ़ाया। तो ये इस तरीके से आप प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप जो भी इसमें यानी हमने अभी एक्सप्लेन किया कि पहले क्या किया जाता है, क्रिया किया जाता है, उसके बाद ही क्या होता है, विचारों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम प्रयोजनवाद का अर्थ बताएंगे। तो प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, ये प्रयोजनवाद है वो अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म, उसको अंग्रेजी मीनिंग है इसका प्रैग्मेटिज्म, जो ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। यदि कोई व्यक्ति या उसके मूल्य को स्वीकार करना चाहते हैं, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है, वो यह स्वीकार करने योग्य है या नहीं, यह प्रैग्मा का अर्थ है। यानी किया गया कार्य किसी भी कार्य का मूल उसके परिणामों द्वारा आंका जाता है, यानी कि कार्य के बाद ही
उसके मूल्य यानी परिणामों द्वारा आका जाता है। तो इस तरीके से आप उसका मीनिंग या अर्थ दे सकते हैं। देन हमने ये मेंशन किया हुआ है सिनॉप्सिस में परिभाषा, प्रयोजनवाद की परिभाषा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, देन उसका मीनिंग, देन उसकी परिभाषा। तो इस तरीके से आप एक एक करके इस तरीके से आप समझाते जाएंगे। तो उसके नेक्स्ट है परिभाषा। तो परिभाषा में आप किसी भी एक फिलोसोफर के अनुसार दे सकते हैं, जैसे विलियम जेम्स ने के अनुसार, रस्क ने भी दिया है, विलियम जेम्स ने दिया है और रास ने भी दिया है। तो आप किसी एक के अनुसार डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रास के अनुसार डेफिनेशन है, प्रयोजनवाद वस्तुतः जो यह मानता है कि मनुष्य कार्य करने में अपने मूल्यों का सृजन करता है एवं सत्य सब अभी निर्माण की अवस्था में है और अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देता है। हमारे सत्य में मनुष्य निर्मित वस्तुएं हैं। इस तरीके से रास ने प्रयोजनवाद को डिफाइन किया है, उनकी परिभाषा दी है। तो इस तरीके से आप एक कोई सभी एक परिभाषा या डेफिनेशन लिखेंगे प्रयोजनवाद का, तो रास के अनुसार हमने ये बताया है, तो आप भी चाहें तो रास के अनुसार ये डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रयोजनवाद की विशेषताएं। प्रयोजनवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो क्या क्या है आप देख लीजिए। इस तरीके से हमने फ्लो चार्ट के अनुसार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं विशेषताएं क्या क्या है। परंपराओं व मान्यताओं का विरोध, सबसे फर्स्ट विशेषताएं हैं प्रयोजनवाद ने परंपराओं व मान्यताओं का विरोध किया है। नेक्स्ट है शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार। नेक्स्ट विचार क्रिया के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल। नेक्स्ट है मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। नेक्स्ट दर्शन शिक्षा। नेक्स्ट प्रजातंत्र में आस्था। और नेक्स्ट है उपयोगिता के सिद्धांत पर बल। इसके जो विशेषताएं हैं, इनकी जो प्रैग्मेटिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म आप देख रहे हैं, ये बहुत कुछ आदर्शवाद सिद्धांत के डिफरेंस है, की विरोध में है। तो फर्स्ट है परंपराओं व मान्यताओं का विरोध। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक एक करके किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस वाद में यानी प्रयोजनवाद ने आस्थाओं का विरोध किया है। आदर्शवाद आस्थाओं पर बहुत अधिक बल देते हैं, आध्यात्मिकता पर बल देते हैं, पर जो आदर्शवाद है वो आस्थाओं परंपराओं का विरोध करते हैं। या आदर्शवाद की तरह चिर स्थायी सत्य को स्वीकार नहीं करता। हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि जो आदर्शवाद है वो सत्य को स्वीकार, उनके सत्य सुंदर, उनके अनुसार से हमने एक्सप्लेन किया था आदर्शवाद के, सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है, ये एक्सप्लेन किया था। पर ये जो प्रयोजनवाद है वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, यह विचारों की अपेक्षा क्रियाओं को अधिक महत्व देता है। देख रहे हैं इसमें क्या है कि डिफरेंस ये है कि जो आदर्शवाद है वो विचारों की सत्ता पर विश्वास करते हैं, पर ये क्या है प्रयोजनवाद है वो विचारों की अपेक्षा क्रियाओं को अधिक महत्व देता है। इनकी दोनों वाद में ये डिफरेंस है। एक तरह से दोनों ही वाद एक दूसरे के बहुत ही विरोध है। नेक्स्ट है शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार। तो प्रयोजनवाद किसी शाश्वत सत्य अथवा सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, यानी शाश्वत मूल्यों को क्या करता है वो बहिष्कार करता है। वह मानते हैं कि मूल्य तो मानव की व्यक्तिगत व सामाजिक घटनाओं के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यानी मूल्य उनके अनुसार से मानना ये है कि जो व्यक्ति मानव है वो व्यक्ति और व्यक्तिगत इनके इंडिविजुअल या सामाजिक रूप से जो भी क्रियाएं करते हैं या घटनाएं करते हैं, यानी उसके फल स्वरूप ही क्या होते हैं मूल्य, जो वो करते हैं अपने कर्म करते हैं उसी को वो आगे मूल्य बनाते हैं। जो सदैव परिवर्तन, इनके जो मूल्य भी हैं क्या है परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। हो सकता है एक एक जो पीढ़ी है उस चीज को माना और दूसरी पीढ़ी क्या है उस चीज को नहीं मान रहा। तो ये जो क्या है कि प्रयोजनवाद के अनुसार क्या है कि ये जो मूल्य है वो सदैव परिवर्तनशील होते हैं। आज जो सत्य है वह कल भी सत्य होगा, सोचना गलत है।
है ना, क्योंकि क्या है आज क्या है साइंटिफिक साइंटिफिक इनकी वैज्ञानिक वो है जगत है, तो लोग क्या है कि इसको मानते हैं कि जो जो आज है इनकी जरूरी नहीं है, जो आज सत्य है वो कल भी सत्य होगा, है ना। तो ये क्या है उनके अनुसार से मूल्य है वो हमेशा इनकी शाश्वत मूल्यों का वो क्या करते हैं, वो बहिष्कार करते हैं। नेक्स्ट है विचार क्रिया के अधीन होते हैं, तो प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है और यह मानता है कि कोई भी विचार तभी सार्थक होता है जब हम उसे क्रिया रूप में हस्तांतरित करें। यानी क्या होता है विचार क्रिया के अधीन होता है, यानी कि जब कोई क्रिया करता है तब विचार आता है। उनका कहना यह है कि विचार क्रिया के अधीन होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल, प्रयोजनवाद ये मानते हैं व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना जीवन सफल बना सकता है, इसलिए यह आवश्यक है व्यक्ति में सामाजिक कुशलता का विकास किया जाए। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है और उनकी सारी आवश्यकताएं कहाँ पूर्ण होती है, समाज में पूर्ण होती है, इसलिए और समाज में ही वो उसे सामंजस्य करना होता है तभी वो क्या होता है एक सफल इंसान बनता है। तो इसलिए क्या है कि उनका मानना ये है कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल देना चाहिए, इनकी व्यक्ति को सामाजिक बनाने पे बल देना चाहिए। नेक्स्ट है मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, प्रयोजनवाद का मानना ये है कि व्यक्ति जो है मनोशारीरिक प्राणी है और मनुष्य को एक इनके अनुसार मनुष्य को विचार या क्रिया करने की शक्तियां प्राप्त है। यानी मनुष्य ही ऐसा वो है प्राणी है जो विचार कर सकते हैं और क्रिया कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी विशेषताएं प्रयोजनवाद की विशेषताएं दे सकते हैं। आगे है उपयोगिता के सिद्धांत पर बल, प्रयोजनवाद का ये मानना है कि किसी भी सिद्धांत अथवा विश्वास की कसौटी क्या है उपयोगिता है। यदि कोई सिद्धांत हमारे उद्देश्यों का पूरक है तो हमारे लिए लाभप्रद है। यदि कोई सिद्धांत हमारे कोई भी सिद्धांत हम बना रहे हैं तो वो उससे क्या होता है हमारे उद्देश्य अगर पूरे हो रहे हैं तो वह हमारे लिए क्या है उपयोगी है। यानी कि प्रयोजनवाद का मानना ये है कि जो उपयोगी है उसी पे ही बल देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के उद्देश्य या एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन, तो क्या क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट है ये मेंशन किया हुआ है पहले से ही, फर्स्ट बालक अपने मूल्यों व आदर्शों का क्या है निर्माता है, उद्देश्य ये उद्देश्य मेंशन किया हुआ है पहले से हमने, बालक अपने मूल्यों व आदर्शों का निर्माता, यानी कि ये उद्देश्य है कि बालक अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण वह खुद करे। नेक्स्ट है गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास, उनका उद्देश्य है कि बच्चा ऐसा हो, प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन का उद्देश्य ऐसा हो कि बच्चे गतिशील व लचीले मस्तिष्क का उनमें विकास हो। नेक्स्ट है छात्र का विकास, है ना, यानी वे चाहते हैं कि वो छात्र का विकास हो। नेक्स्ट है गतिशील निर्देशन, नेक्स्ट ये उद्देश्य है कि क्या क्या जो प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता आनी चाहिए उनमें। नेक्स्ट सामाजिक वातावरण के को समझना, यानी कि उनका एक उद्देश्य है कि उन सामाजिक वातावरण को समझें। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा, तो इसे हम फिर से एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे कि बालक अपने मूल्यों व आदर्शों का निर्माता वो खुद हो। तो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बालक अपने आदर्शों तथा मूल्यों का निर्माता स्वयं होता है, उन्हें मूल्यों एवं आदर्श विकसित करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी बाल हमारा ये उनकी प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य है कि बालक अपने मूल्य और आदर्शों को खुद निर्माण करे और उनके लिए उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास हो कि बच्चा ऐसा हो कि क्या है आज जो जो सामाजिक वातावरण है वो हमेशा गतिशील है,
आज जैसा एटमॉस्फियर है जरूरी नहीं कि कल भी वैसा एटमॉस्फियर हो। तो बच्चे में उनकी शिक्षा, बच्चों को शिक्षा इस तरीके से मिलनी चाहिए कि उनमें गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास हो, कि जैसा जैसा एटमॉस्फियर उनको मिल रहा है, सामाजिक वातावरण मिल रहा है, उस तरीके से उनमें उस तरीके से ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि उसके हिसाब से वो अपने मस्तिष्क का विकास करे, यानी वातावरण के अनुसार वो अपने अपने आप को इस तरीके से ढाले कि उसके हिसाब से अपने आप को वो चेंज कर सके, उस एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने आप को बदल सके। नेक्स्ट है छात्र का विकास। प्रयोजनवाद चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो प्रयोजनवादी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र का विकास हो। छात्र का विकास यानी कि उनका शारीरिक, मानसिक और सब टाइप का विकास हो। उनको एजुकेशन ऐसा मिलना चाहिए कि सभी टाइप का विकास हो। नेक्स्ट है गतिशील निर्देशन। गतिशील निर्देशन का मतलब ये है कि बच्चों को निर्देशन क्या है, टीचर से ही मिलते हैं, तो बच्चों को निर्देशन इस तरीके से मिलने चाहिए कि बदलते वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल सके। निर्देशन ऐसे हो कि जैसा उनको एटमॉस्फेयर मिल रहा है उनके अनुसार उनको वो गतिशील, बल्कि जैसा जैसा एटमॉस्फेयर आ रहा है उनके हिसाब से अपने आप को वो ढाल सके। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है, बच्चा है या मनुष्य है, वह एक सामाजिक प्राणी है और उसे उनमें ऐसी कुशलता आनी चाहिए कि वह समाज में जीने लायक हो, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं कहाँ पूरी होती है, समाज में होती है। तो वो समाज में सामंजस्य कर सके, समाज का वातावरण जैसा है वैसे अपने आप को ढाल सके, और वही, क्योंकि उनकी नीड वही पूरी होने वाली है और समाज में उनके कुछ योगदान हो, तो इस तरीके से कुशलता उनमें होनी चाहिए। इनकी प्रयोजनवादी जो एजुकेशन है उसके उद्देश्य ये है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा। लोकतांत्रिक जीवन का मतलब ये है कि आज जो समाज है वो लोकतांत्रिक है, तो समाज को एक ऐसा छात्र मिलना चाहिए जो देश की खुद रक्षा कर सके, अपने हित को छोड़ के वो देश की रक्षा कर सके, यानी लोगों के बारे में सोचे, अब खुद की स्वयं की ना सोच के वो और भी लोगों के बारे में सोचे। तो ये इस तरीके से हम ये उद्देश्य, प्रयोजनवाद के उद्देश्य हम क्लियर कर सकते हैं। और भी आगे चीजें हैं, जैसे आज तो हमने आपको जो विशेषताएं हैं, प्रयोजनवाद की विशेषताएं हैं और उद्देश्य है वो आपको क्लियर किया, एक्सप्लेन किया। आगे और भी चीजें हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल और भी हैं, जैसे हमने मेंशन किया हुआ है इसमें, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, छात्र कैसे होने चाहिए, शिक्षक कैसे होने चाहिए, अनुशासन कैसे होने चाहिए, तो वो हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। और लास्ट में आप रेफरेंस दे सकते हैं, कंक्लूजन और रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस में आपको यही देना है, पूनम मदान का। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।